मैं एक सवाल आपसे कश्मीर पर पूछना चाह रहा हूँ आपने वहाँ पे आर्टिकल 370 जो है रिमूव किया काफ़ी टेररिज्म पर आपने जो है काबू पाया आ, बहुत डेवलपमेंट स्कीम्स भी अनाउंस करी आगे क्या होगा ये इलेक्शंस कब होंगे? क्या दो 2023 में हम कश्मीर में चुनाव देखेंगे देखिए कश्मीर की तीन समस्या थी एक तो लोकतंत्र वहाँ पर बिल्कुल एक प्रकार से इसकी कोई बेअसर हो इस प्रकार से बना दिया गया था क्योंकि पूरे भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है एक पंचायत व्यवस्था है एक असेंबली है और एक पार्लियामेंट के चुनाव है। होते हैं वहां पर पंचायत के भी तीनों स्तरों को शुरू ही नहीं किया गया था ना पंच सरपंच चुने जाते थे ना ब्लॉक लेवल के चुनाव होते थे ना डिस्ट्रिक्ट लेवल के चुनाव होते थे तो डेमोक्रेसी एक प्रकार से तीन परिवारों में सिमट कर रह गई थी गांधी परिवार मतलब कांग्रेस पार्टी महबूबा मुफ्ती की पार्टी और फारूक साहब की पार्टी इसमें डेमोक्रेसी सिमट कर रह गई थी सतासी विधायक और छह सांसद ये डेमोक्रेसी का साइज था आज नरेंद्र मोदी सरकार के कारण वहां पर तीस हजार से ज्यादा पंच सरपंच चुनकर अपना काम कर रहे हैं जी तो डेमो डेमोक्रेसी को ग्रासरूट लेवल तक परकोलेट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया आज तक 1990 से जब से आतंकवाद वहां पर बढ़ा तब से लेकर आज तक हम आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ते रहे जिसने भी लड़ाई लड़ी है बहुत अच्छी लड़ी सभी एजेंसियों ने सभी सरकारों ने मैं इसकी कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता इसके आंकड़े तो बढ़ते घटते रहते हैं मगर आ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी मगर आतंकवाद के पोषण करने वालों के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं लड़ी गई हमने हुरियत को टफ जवाब दिया जमाते इस्लामी पर बैन लगाया और आतंकवाद की पूरी इकोसिस्टम जो उनको पैसा सप्लाई करते थे जो वैचारिक आधार प्रदान करते थे और जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में इनके मोहरे बैठे थे इस सबको रूथलेसली करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और मैं मानता हूं यही आतंकवाद के खिलाफ सच्ची सफलता और इसके कारण आप देखेंगे तो 90 से बाद आज सबसे कम आतंकवादी घटनाएं होती है सबसे कम लोगों की जान जाती है और हमारी सफलता सबसे ज्यादा यह है कि पहले आतंकवाद के खिलाफ सेंट्रल एजेंसियां लड़ती थी सीआरपीएफ मिलिट्री बीएसएफ लड़ता था आज आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस लड़ रही है ये बहुत बड़ी परिवर्तन का अच्छा चिन्ह और तीसरा वहां डेवलपमेंट को कोई कुछ मानता ही नहीं था चावल मिल जाए दवाई मिल जाए वही डेवलपमेंट था सत्तर साल तक जम्मू कश्मीर में बारह हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था और ये पांच साल के अंदर चार साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर फिफ्टी सिक्स थाउजेंड करोड़ रुपये का डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट आया कोई ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नहीं है जो दो की संख्या में एक जम्मू में एक और कश्मीर में न खुले हों चाहे एम्स हो चाहे आईएम हो चाहे आईआईटी हो हर हो हर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान आज वहाँ पर खुला है जी। और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के अंदर अब तक के साल में 80 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग टूरिस्ट पहुंचे हैं जी। जो अब तक का जम्मू कश्मीर के आजादी के बाद का सर्वाधिक आंकड़ा है रिकॉर्ड टूरिस्ट अमरनाथ यात्रा में गई एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अमरनाथ यात्रा पारित हो गई और जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक दलितों को पिछड़ों को ट्राइबलों को रिजर्वेशन का अधिकार नहीं मिलता था पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलितों को ट्राइबल को और पिछड़ों को रिजर्वेशन का का अधिकार अधिकार संवैधानिक देने का काम किया। और हमारा जो मांग था मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए तो बहुत सुखद बात है कि हमारे समय के अंदर दो विधान दो निशान और दो प्रधान समाप्त कर जम्मू कश्मीर आज भारत का अखंड हिस्सा है इसका एहसास जम्मू कश्मीर और पूरे भारत की जनता करती है बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मोदी जी के शासन की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है जी तो क्या चुनाव 2023 में हो पाएंगे चुनाव आयोग ने कराने और साथ अर्थ में राहुल जी चुनाव आयोग हम नहीं चलाते हैं नहीं नहीं वो तो पता है पर आपने ये तो बात कही कैसे मालूम होगा भाई नहीं नहीं आपने ये कहा है बार बार कहा है कि आप चाहते हैं कि वहाँ पर चुनाव मैं, जल्दी तो से मैं जल्दी हो और लोकतांत्रिक प्रणाली वापस आए तो मैं चाहता ही हूँ कि जल्दी चुनाव हो डिलिमिटेशन का काम वहाँ समाप्त हो गया है मगर मतदाता सूची इतनी लचर स्थिति में वहाँ पड़ी है चुनाव आयोग उसको दुरुस्त कर रहा है जब भी मतदाता सूची समाप्त होगी ठंडी समाप्त होगी चुनाव आयोग उचित फैसला लेगा हमें तो सिर्फ सिक्योरिटी की दृष्टि से कंसर्न देना है और मैं मानता हूँ सिक्योरिटी की पोजिशन सेटिस्फैक्टरी है तो उम्मीद है कि जल्दी होगा समय हम हमें भी उम्मीद है जल्दी। जी, जी. मगर निर्णय चुनाव आयोग ने कर